आई हम लेके आए बहुत ही जबरदस्त मिठाई रेसिपी। जब मीठा खाने का मन हो तो बनाइए पके हुए चावल की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई फ्रेंड। तो आइए बनाते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड। ऊपर से पूरा क्रंची होता है, अंदर से पूरा सॉफ्ट होता है, और इतनी टेस्टी बन के तैयार होगा ना फ्रेंड, और कुछ ही टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए आज बनाते हैं पके हुए चावल की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो आइए बना लेते हैं। सुभांची के चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आइए आज बनाते हैं पके हुए चावल की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। तो ये फ्रेंड पका हुआ चावल है, आप बचे हुए चावल का ही बना सकते हैं, अगर सुबह की चावल अगर शाम को बच गई है तो उसका भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले हमने चावल को लेना है, एक मिक्सी के जार में डाल करके उसे एक स्मूदी सा पेस्ट बना लेना। पानी नहीं डालेंगे फ्रेंड, वैसे ही इसको पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हमने मिक्सी में डाल, तो इसको मिक्सी के जार में डाल के स्मूद बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाएंगे। देखिए एकदम बारीक पेस्ट हमने स्मूद सा एकदम डो के फॉर्म में पेस्ट बना के तैयार कर लिया फ्रेंड। इधर रखेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ी सी पानी, इसमें डालेंगे 1.5 लीटर दूध। इसका बनाएंगे हम लोग रबड़ी फ्रेंड, दूध को लगातार चला थोड़ा थोड़ा देर पर चलाते रहेंगे और रबड़ी बनाएंगे फ्रेंड। रबड़ी बनाकर इसे तैयार करेंगे, रबड़ी में इस मिठाई को डिप करना होता है। तो चीनी अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। हमने चीनी 1 टेबल स्पून डाला हुआ है, ज़्यादा मीठा नहीं बनाए तो, क्योंकि दूध भी मीठा होता है इसलिए चीनी ज़्यादा नहीं। इधर देखिए हमारा डो बन चुका था, अब हाथों में तेल लगाएंगे, अच्छा सा आटे की तरह से एक डो बना के तैयार कर लेंगे फ्रेंड। हाथों में तेल लगा के बनाइएगा, ये तो हाथों में चिपकेगा। इधर हमने कुछ ड्राई फ्रूट है काट लिया, काजू है, बादाम है, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है। नारियल है, नारियल को क्रश कर लिया है बारीक सा। अब इसे सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स कर देंगे, थोड़ा ड्राई फ्रूट बचा लेंगे, उसको हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। उसका क्या यूज़ करेंगे उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी फ्रेंड। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया, अब थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच डो लेंगे और डो को पेड़े के आकार का बना के कटोरी की शेप देंगे, उसमें वो ड्राई फ्रूट भरेंगे और ड्राई फ्रूट को डाल के अच्छे से चारों तरफ से इसको पैक करेंगे, कहीं से भी खुला ना रहे फ्रेंड। तो अच्छे से पैक करिएगा, देखिए बना के हम अच्छे से आपको दिखाते हैं। तो देखिए कहीं से भी खुला नहीं रहेगा, हाथों से अच्छे से दबा करके इसको पैक कर देंगे। इस तरह से हमने बना लिया, एक और आप लोगों को बना के दिखाते हैं। हाथों में तेल जरूर लगाइए फ्रेंड, चावल लेने से चिपकने लगेगा। तो देखिए पेड़े के आकार बना के कटोरी का शेप देंगे, उसके बाद उसमें भर के चारों तरफ से इसको सील कर देंगे। तो देखिए हमने सील कर दिया, इस तरह से सारा बना के तैयार, इस तरह से सारा बना के तैयार कर लेते हैं फ्रेंड। सील अच्छे से करिएगा कि कहीं से भी खुला ना रहने, तो तलने में अपना मिठाई खुल जाएगी। तो देखिए इस तरह से बना लिया है, अब से सारा बना लेते हैं, बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सारा बना के तैयार कर लिया है, इधर हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। रबड़ी को एक साइड करते हैं और उसको तलने के लिए दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं, उसमें डालते हैं तेल। तो देखिए हमने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब अपने सारे पीसेस, जितने पीसेस आसानी से इसमें आ जाए, फूलने के लिए स्पेस रह छोड़ देंगे देंगे तो इस तरह से डाल के इसको पलट उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन से इसे हम लोग तल लेंगे। तो देखिए एक साइड से हो चुका, अब इसे पलट देते हैं। इस तरह से 2 से 3 बार पलटते हुए एकदम गोल्डन सा सुनहरा होने तक इसे तल लेंगे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है फ्रेंड। एक बार जरूर बनाइए बचे हुए चावल से, अगर सुबह का चावल आपका बच गया है तो उसे आप आराम से बना सकते हैं, नहीं तो इसे पका हुआ चावल से आप बना सकते हैं। जब भी खाने का मन हो बस पका हुआ चावल लीजिए और फटाफट रबड़ी बनाइए और बना के खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है फ्रेंड। ठंडा करके फ्रिज में रख के खाइएगा तो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए तल चुका है, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी तरह से अब हम लोग सेकेंड बैच भी तल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए तल लिया है, इधर हमारी रबड़ी पूरी तरह ठंडी हो गई है। तो आइए एक बाउल में से शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने शिफ्ट कर लिया है, अब अपने सारे पीसेस को इसमें डिप करेंगे और डिप करने के बाद बोले थे ना ड्राई फ्रूट बचा लेंगे, तो उस ड्राई फ्रूट से अच्छे से इसको डेकोरेट करेंगे। इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालना जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि ड्राई फ्रूट से ही मिठाई बहुत टेस्टी अमेजिंग बन के रबड़ी हमारी तैयार होगी। तो देखिए हमने डाल दिया, इसे डाल के पूरी तरह से 1 घंटे ठंडे होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। और जब ठंडा ठंडा ये तैयार हो चुका है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रेंड। देखिए कितनी अमेजिंग और टेस्टी मिठाई बन के तैयार हुई है। जब भी आपका मन हो बचे पके हुए चावल से बनाइए और खाइए और पूरे परिवार साथ एंजॉय कीजिए। और कमेंट करके बताइए फ्रेंड आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए कितनी अमेजिंग और टेस्टी मिठाई बन के